अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम ज़ान और आप देख रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी। खबर शामिल करते हैं डेनमार्क से। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन कम्युनिसिपैलिटी ने टास्क फोर्स COVID-19 में शामिल तमाम पाकिस्तानी तनजीमों और मसाजिद के अरकान को कोपनहेगन म्यूनसिपलिटी में दावत का मकसद COVID-19 के दौरान जिस तरह टास्क फोर्स COVID-19 के मेम्बरान ने अपना कीमती वक्त और दिलजमे के साथ पाकिस्तानी डेनिश कम्यूनिटी कोपनहेगन को लम्हा बा लम्हा हुकूमती पॉलिसियों से लगा रखते हुए लॉकडाउन के दौरान बूढ़े लोगों को इनके दहलीज पर अद्वियात और खाने पीने का सामान पहुंचाया और खिदमत की और इसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी तनजीमात का डेनिश माशरे और कोपनहेगन म्यूनसिपलिटी के लिए एक मिसाली किरदार है जिसको याद रखा जाएगा और खसूसी शुक्रिया अदा किया। मेहमानों की खाने के साथ साथ पाकिस्तानी सौगात और फलों के बादशाह आमों से तवाज़ा की। डी पैक के सदर अंसर मंजूर हुसैन, डॉक्टर इरफान अहमद, राजा इमरान, तनवीर अहमद, मोहम्मद असलम और दूसरे मेहमानों ने शिरकत की। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ डेनमार्क नवाज़ मिर्ज़ा। शुक्रिया।